हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी तक अपन ने करे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन आ रहा है और विसल ब्लोअर पॉलिसी। अच्छा, विसल ब्लोअर क्या होता है? बुराई के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है वो विसल ब्लोअर होता है, रवि तेजा। चलिए, जोक सपाट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनके द्वारा कॉर्पोरेट गवर्न होती है। मतलब जो भी हम नॉर्म्स लिख रहे हैं कि ये बंदा ये एक्टिविटी करेगा, ये रूल्स रहेगा, ये कंपनी का टाइमिंग होगा, ये कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ऐसे करेगी, ये सप्लायर, ये वेंडर, ये रूल्स रेगुलेशन जिनसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड होता है कॉर्पोरेट का, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। द सिस्टम ऑफ द रूल्स प्रैक्टिस प्रोसेस बाय विच अ कंपनी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, जिससे कंपनी डायरेक्ट करी जाती है और कंट्रोल करी जाती है। कौन कौन इसमें इंक्लूड होता है? सारे स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर यानी जो कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, लाइक शेयर होल्डर, मैनेजमेंट टीम, इम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कस्टमर, द पब्लिक। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या होते हैं कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस अकाउंटेबल बनाते हैं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, हर एक को पता होता है कि इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए क्या जिम्मेदार है। एक्चुअल में यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा सा हमारे सरकारी तंत्र में देखने को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर करप्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक टेक्सटाइल की मिल है, ठीक है, और वहाँ पर एक कपड़ों का जो लॉट था वो ख़राब हो गया। तो पता लगाने में कितनी देर लगेगी कि किसके कारण ख़राब हुआ? तो बोल सकते हो सर 24 घंटे में पता लगा लेंगे मैक्स टू मैक्स कि किसके कारण वो ख़राब हुआ। या तो रॉ मटेरियल ख़राब होगा, या सुपरवाइज़र ने लापरवाही करी होगी, या उसके टॉप सीनियर्स ने लापरवाही करी होगी, या लेबर ने लापरवाही करी होगी, या मशीन की कोई फॉल्ट होगी। ये चार पांच कारण होंगे जिसके कारण से, लेकिन कौन सुपरवाइज़र है वो पता रहेगा, कौन टॉप मैनेजर है वो पता रहेगा, कौन उसका सीनियर है कौन पता रहेगा, किस वेंडर ने भेजी ये पता रहेगा, ये सारी चीज़ें पता रहेगी। ये होता है एक प्राइवेट डोमेन में। अब पब्लिक डोमेन में मान लो आपके घर के बाहर रोड नहीं बनी हुई, आपके घर के बाहर रोड नहीं बनी हुई, सब क्यों होनी चाहिए, किसी के गांव का मकान है नहीं बनी हुई, तो भैया किस कौन बनवाएगा? क्या विधायक बनवाएगा, क्या सांसद बनवाएगा, कि वहाँ का अगर पंचायत है तो सरपंच बनवाएगा, नगर पालिका है क्या तो नगर अध्यक्ष बनवाएगा, नहीं तो वार्ड मेंबर बनवाएंगे, ठीक है, नहीं तो मेयर बनवाएगा जो नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, ठीक है, या कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है, या SDM की जिम्मेदारी होती है, कि पुलिस की जिम्मेदारी है उस रोड को बनवाना, या वहाँ का जो PWD विभाग है उसकी जिम्मेदारी है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर पब्लिक फंस जाती है। जब इस तरीके के क्वेश्चंस में फंस जाती है तो वहाँ पर क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती, यानी कि वर्क को लेकर ट्रांसपेरेंसी। तो यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन मुद्दा है ना, अकाउंटेबिलिटी देता है, ट्रांसपेरेंसी देता है, फेयरनेस देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको पता चलती है और रिस्क का मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो। और इसी के ये भी बेनिफिट होंगे, डिसीजन मेकिंग एनहांस होगा, फेयर होगा, ट्रांसपेरेंस होगा, अनबायस्ड होगा, रिड्यूस होगी रिस्क, रेपुटेशन इंप्रूव्ड होगी, सस्टेनेबल ग्रोथ हम अचीव करेंगे। और इसके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अगर बेसिक बात करी जाए तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इसका पर्पस लिख सकते हो। पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि एक रोड मैप प्रोवाइड करना जिससे कंपनी कंट्रोल्ड और रेगुलेट करी जा सके, है ना। और वेरिएशंस में अगर इसके बात करो तो डिपेंडेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंडेंस होता है, इन लीगल कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती। जो कंपनी एक 1956 कह रही है, अब तो 2013 आ गया है, उसी के अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखो वो क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन दोनों मिला के भी पूछते हैं। विसल ब्लोअर क्या होता है? विसल ब्लोअर वो बंदा होता है जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के बारे में कंपनी को सूचित कर रहा होता है या गवर्नमेंट को सूचित कर रहा होता है, वो विसल ब्लोअर कहलाता है। उसकी पॉलिसीज क्या होती है? उसको प्रमोट करने के लिए होनी चाहिए, यानी कि उसको विसल ब्लोअर हर कोई बने, इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में वो आइडेंटिफाई करता है ना। विसल ब्लोअर पॉलिसी का क्या बेनिफिट क्या होता है? फ्रॉड हमको पता चल जाएगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उस फ्रॉड का, इथिकल कल्चर प्रमोट होगा कि भैया कोई हमारी चुगली कर देगा और गलत काम में कर रहा होगा, है ना। और रेपुटेशन कंपनी की बढ़ती है जिसमें अगर कॉर्पोरेट विसल ब्लोअर पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट होती है। और की एलिमेंट क्या होते हैं? एक तो रिपोर्टिंग का चैनल क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए यानी कि किसने करा है वो हमको पता होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए इसका कि इसने एक्चुअल में करा है या इसका जो प्रॉपर चैनल है वो सही से हो पाया कि नहीं हो पाया, और एंटी
रिटेलेशन, एंटी रिटेलेशन का मतलब क्या है कि उसको कोई परेशान नहीं करे, उस इम्प्लॉय जो विसल ब्लोअर बनाए उसको कोई परेशान नहीं करे, उसको कोई डीमोटिवेट नहीं करे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फॉलो करनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट रहा नहीं है। फिर भी कोई इशू हो तो फील फ्री टू कमेंट, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद।